ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नगर निकाय के 10 जनवरी को होने वाले मतदान हेतु आज शुक्रवार को स्थानीय नगर परिषद हॉल में नगर परिषद के 9 वार्डों के लिए तैनात सभी पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों को तीसरी एवं अंतिम चुनावी ट्रेनिंग दी गई। इस पूर्वाभ्यास में 60 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। निर्वाचन अधिकारी SDM नूरपुर ने बताया कि पूर्वाभ्यास में चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया के दौरान बरते जाने वाली सभी जरूरी सावधानियों के अतिरिक्त इस दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद एवं शंका को दूर करने सहित इसके तुरंत निपटारे के बारे में टिप्स दिए गए। उन्होंने चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को मतदान के दौरान दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों तथा महिला मतदाताओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा COVID-19 के तहत जारी प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियों को 9 जनवरी को प्रातः 11 बजे उनके मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुगम निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मतदान की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान जरूर करने की अपील की है ताकि वे अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सकें। इलेक्शन 2020 के लिए नूरपुर प्रशासन ने जो पूरी तैयारी कर ली है, आज हमने अपनी पोलिंग पार्टीज के लिए तीसरी और अंतिम रिहर्सल का आयोजन किया था। इनके जितने भी डाउट्स हैं मशीन के ऑपरेशन को लेकर या लीगल प्रोविजन ऑफ लॉ को लेकर या MCC की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो भी है वो हमने इनको प्रॉपरली हमें इन्हें बता दिया है। अगले कल 11 बजे हम यहाँ से पोलिंग पार्टीज को डिपार्ट करेंगे। मूवमेंट प्लान जो है हमने बिल्कुल प्रॉपरली चॉकआउट कर लिया है। इन्हें डायरेक्शन ये दी गई है कि जो रूट जो है प्रशासन के द्वारा फाइनलाइज किया गया उसी रूट को स्टिक करें, अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और पोलिंग को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नॉर्म्स जो भी हैं उसी के हिसाब से जो है पोलिंग करवाएं। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जो है हमने और जो हमारे PWD इलेक्टर्स हैं इनके लिए हमने इनसे पोलिंग पार्टीज को निर्देश ये दिए हैं कि जो इन लोगों को हमें स्पेशल प्रेफरेंस दें। इसके अतिरिक्त जो है हमने जो हाइपर सेंसिटिव और जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं इस पर जो हमने सफिशेंट मात्रा में जो पुलिस बल का भी इसका भी हमने जो है प्रबंध कर लिया है और इलेक्शन को जो है फ्री एंड फेयर करवाने तरीके से करवाने के लिए हम फुली तैयार हैं। इसके लिए हमने जो है हमने सेक्टर ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए हैं, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हैं, 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, 2 सेक्टर ऑफिसर्स होंगे जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। नूरपुर से श्रमिक मंत्र संवाददाता संजीव महाजन की रिपोर्ट।